बीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका पाइप एक्सिस्टेंट एक पार्ट है, उसका आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले क्या है, इससे पहले पाइप एक्सिस्टेंट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें रेशियो से लगाकर पाइप एक्सिस्टेंट तक के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब उसमें क्या क्या आ गया देखिए, सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद रेशियो हुआ, एवरेज हुआ, एज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सारे के सारे टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको जीरो से देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, क्या होता है पाइप एंड सिस्टम। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं विजिट किया है तो आप जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट देखने में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम का सेकेंड पार्ट। देखिए पाइप एंड सिस्टम होता क्या है, नल और टंकी, इसका मतलब होता है मतलब क्या है। देखिए ये कोई टंकी रही होगी, ये ए टाइप का नल हो गया और ये बी टाइप का नल हो गया, ये एक सी टाइप का नल हो गया। ये क्या कर रहा है, ये भर रहा है टंकी को, मतलब इसमें जो पानी आ रहा है ये भरने का काम कर रहा है, ये भी भरने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो सी है नीचे से निकल रहा है, मतलब नीचे से पानी की निकासी हो रही है। सी ना सी टाइप का नल है, ये क्या कर रहा है, पानी को निकालने का कार्य कर रहा है। ठीक, ये दोनों भरने का कार्य कर रहे हैं, ये निकालने का। अब अगर पूछता है आपसे कि ए टाइप का नल, बी टाइप का नल और सी टाइप का नल, ये भरेगा मतलब प्लस करेगा, भरेगा मतलब प्लस करेगा, ये निकालेगा मतलब माइनस करेगा। ठीक, अब ये बोल रहा है ए भर रहा है 5 घंटे में, बी भर रहा है 10 घंटे में और सी भर रहा है 20 घंटे में। ठीक, 20 खाली कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। अब अगर अपने से पूछे कि अब अगर अपने से पूछता है कि तीनों नलों को साथ एक साथ शुरू कर दिया जाए, तीनों को एक साथ शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी या भर जाएगी। अगर भरेगी तो किस समय और खाली होगी तो किस समय, तो देखिए इन सब का लेते हैं अपन एलसीएम। ये आ जाएगा 5 से 5 एकम 5 दस, 10 से 10 6 60, 20 से 20 दिया 60। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए 12 और 6 कितने, 18 की एफिशिएंसी से क्या हो रहा है, ये भर रहे हैं, लेकिन 3 की एफिशिएंसी से ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, मतलब 15 की एफिशिएंसी से क्या हो रहा है, भर रहा है। ठीक, ये इसमें माइनस हुआ, ये प्लस का था, मतलब ये क्या कर रहा है, भरने का काम, प्लस का मतलब क्या, भर रहा है, ये प्लस का मतलब भर रहा है। अब देखो 60 भरना है, 15 की एफिशिएंसी से भरना स्टार्ट करेगा, तो 15 चौके 60 मतलब 4 घंटे में टंकी भर जाएगी, टंकी भर जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क में आप क्या कर रहे थे, इनको इनको इनको, ये तीनों क्या थे, एफिशिएंसी काम कर रहे थे, तीनों साथ मिलके काम कर रहे थे, ये वाला काम कर रहे थे। अब देखो इसमें क्या है, सेम ही है, और उसके बाद क्या है, वर्क ऑन वेजेस में क्या हो रहा था, इनको इनकी कार्यक्षमता के हिसाब से मिल रहा था, ये इनकी क्या है, कार्यक्षमता है, इसकी कार्यक्षमता, ए नल की कार्यक्षमता क्या है कि ये 12 घंटे तक लगातार चले तो 5 घंटे पूरी टंकी भर दे। बी वाले का कार्यक्षमता क्या है, 6 की कार्यक्षमता है, 10 घंटे तक चलेगा तो टंकी पूरी भर देगा। 3 की कार्यक्षमता है, 20 घंटे तक अगर लगातार चले तो इस टंकी को पूरी को खाली करने की क्षमता है। ठीक, ये इनकी क्या है, कार्यक्षमता है। ठीक है, देखिए इसमें टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है कि बारी बारी से, मतलब ए भरेगा फिर बी भरेगा फिर ए भरेगा फिर बी भरेगा, एक तो ये एक हो जाएगा तीनों साथ में, तीसरा हो जाएगा धारिता का। ठीक, ये 3 टाइप होते हैं, और भी टाइप आएंगे तो वो अपन बीच में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 3 नल ए बी एवं सी एक होज को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए एवं बी होज को 8 घंटे में भर देते हैं। नल सी
उस होज को भरने में कितना समय लेगा? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर रहे हैं? 6 घंटे में। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, ए और बी कितने घंटे में भरेंगे? 8 घंटे में भर देते हैं, ठीक। तो सी उस होज को कितने घंटे में भर सकता है? ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ, 6 घंटे में भर रहे थे, फिर ए प्लस बी ने क्या किया, 8 घंटे तक काम किया, तो क्या हुआ, वो भर गया पूरा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा? 24, ठीक। 6 चौके 24, 8 दिया 24। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 4। मतलब देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो आएगा कितना, एक ए प्लस बी यहाँ है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, मतलब बचा कौन, सी। सी की एफिशिएंसी क्या है? 1। अब देखिए देखिए ये हुआ क्या, a प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए अगर ये तीनों 2 घंटे तक काम करें, मतलब 2 घंटे तक काम किया, तो इन्होंने काम कितना कर लिया, 1/3, 1/3 काम कर लिया। अब a प्लस बी आए, उन्होंने कितना काम किया, 2/3, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 2 चौके 8, 4 किया कितने, 12 काम अगर टोटल रखा होगा, मतलब ये दोनों कितने घंटे में भर सकते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर रहे हैं, ए प्लस बी जो है 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 2, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो ए 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा कितना, 1। अब 1 जो है उस होज को भरने में कितना समय लेगा, मतलब एक की एफिशिएंसी से अगर 12 होज भरना है तो ये कितना भर देगा, 12 घंटे में भरेगा, मतलब 12 घंटे आपका आंसर सही होगा, ठीक। ये वाली अप्रोच थोड़ी सी क्या है, ये वाली नहीं लगेगी, ठीक है। एक और बार समझ लीजिए, देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे। अब ये बोल रहा है कि 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, मतलब देखिए 6 घंटे में पूरा होज भर सकते हैं, 2 घंटे अगर चला तो कितना भर दिया होगा, 1/3, 1/3 भर दिया। अब बचा कितना, 1/3 अगर टोटल है, 1 भर दिया तो बचा कितना, 2/3। इस 2/3 को ए और बी कितने घंटे में भर रहे हैं, तो 8 घंटे में भर रहे हैं। तो 2 चौके 8, 4 दिया कितना, 12, मतलब ये दोनों मिलकर भर कितने घंटे में देंगे, 12 घंटे में। तो ए प्लस बी 12 घंटे में पूरे होज को भर सकते हैं। अब देखिए 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 2 और 1 कितना, देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 1, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 2, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये 1 इसमें भी है, तो बचा कौन, सी। सी की एफिशिएंसी कितनी, 1। कैसे समझेंगे, 2 माइनस 1 कितना आया, 1। 1 की एफिशिएंसी से 12 भरेगा, 1 की एफिशिएंसी से 12 भरना है, भरेगा कितने घंटे में, 12 आवर में, मतलब 12 घंटे में भर देगा। ये आया समझ, ठीक, यहां तक आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक नल एक होज को 15 घंटे में भर सकता है, तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भरता है, यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा, ठीक। देखिए ए टाइप का कोई नल है, 15 घंटे में क्या कर सकता है, पूरा भर सकता है। तली में एक छिद्र हो गया, मतलब बी नाम का कोई नल या फिर उस छिद्र को बी नाम दे दो, 20 घंटे में तली में एक छिद्र होने की वजह से बी, मतलब ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं ना, मतलब ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, तो 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक। तो देखो 15 और 20 दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, मतलब देखो 4 अगर भर रहा है ना तो 3 खाली हो रहा है, ऐसा है, 4 भर रहा है 3 खाली हो रहा है, मतलब 1 की एफिशिएंसी क्या हो रहा है, 1 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, ठीक। अब ये पूछ रहा है
कि खाली होने में कितना समय लगेगा यदि होज पूरी तरह भरा हो तो। देखो पूरी तरह भरा है और ये तीन के एफिशिएंसीज क्या कर रहा है, निकाल रहा है, मतलब क्या है? एक के एफिशिएंसीज क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, तो देखो 60 भरा है, एक के एफिशिएंसीज निकाल रहा, मतलब कितने 60 घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे 60 घंटे लगेंगे। यहां तक आया समझ में? ठीक, आपका आंसर क्या होगा, बी वाला, ये आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। नल ए एक खोज को 20 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है तथा नल सी भरे हुए खोज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो आप क्या करो, तीन नल बना लो, एक 20 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, मतलब प्लस बी नाम का जो नल है वो 30 घंटे में भर सकता है, मतलब ये भी प्लस। अब तीसरा सी टाइप का नल है वो भरे हुए होज को 40 घंटे में खाली कर देगा। ठीक, अब इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, तो वो आएगा 120। ठीक, दो छंग 12, तीन चौके 12, चार दिया 12। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 और 4 कितने, 10, 6 प्लस 4 माइनस क्या 3, इन दोनों को प्लस और इसको माइनस क्यों लिखा, देखिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, खाली कर रहा मतलब माइनस कर रहा है, ये क्या प्लस कर रहा है, ये क्या प्लस कर रहा है, इसलिए ये दो प्लस, 6 प्लस 4 10, माइनस कितना 3, मतलब 7 की एफिशिएंसी क्या करेगा, भरेगा। ठीक, 7 की एफिशिएंसी से भरना है इसको, 120 भरे हुए होज को खाली करना है, यही बोल रहा है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, ठीक है, मतलब 7 की एफिशिएंसी से भरेगा ये, तो 7 एकम 7 बचे कितने 5, साथ ही साथ 49 बचा 1 बटे कितने 7, 17 सही 1 बटे 7 हावर, मतलब 17 सही 1 बटे 7 घंटे में ये नल, तीनों नल अगर एक साथ चलेंगे तो टंकी पूरी भर जाएगी। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया, कुछ नहीं करना है आपको, ए की एफिशिएंसी क्या थी भरने की, बी की क्या थी भरने की, सी की क्या निकालने की। ठीक, इनकी ये तीनों की कार्य क्षमता गई, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, माइनस किया तो आया 7, 7 की एफिशिएंसी से 120 भरना है अपने को, तो आएगा 17 से 1 बटा 7 आवर। यहां तक आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल ए एवं बी एक खोज को 1 घंटा एवं 75 मिनट में भरते हैं, एक निकास नल सी है, यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज 50 मिनट में भर जाता है। भरे हुए होज को नल सी कितने समय में, ये बोल रहा है, बोल क्या रहा है, ए टाइप का कोई नल है जो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में भर देगा, बी टाइप का कोई नल है जो 75 मिनट में क्या कर देगा, भर देगा, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, दोनों क्या हो गए प्लस प्लस वाले। ठीक, एक तीसरा नल सी टाइप का है जो क्या कर रहा है, निकास कर रहा है, निकास मतलब पानी निकालने का कार्य कर रहा है, तीनों को एक साथ खाली कर दिया मतलब चालू कर दिया तो 50 मिनट में भर जाता है। ठीक, 50 मिनट में क्या हो रहा है, वो भर जा रहा है। ठीक, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 60 और 75 का यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 15 से भाग दीजिए, 15 चौके 60, 15 75, अब 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, 15 दोनों 30, मतलब कितना आया 300 आया, 6 पंजे 30 होता है, 75 चौके 300 होता है। ठीक, अब देखिए 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से चले ये और 50 मिनट तक चले तो कितना भर गया 450, भरना कितना था 300, लेकिन भरा कितना गया 450, मतलब कुछ माइनस हुआ होगा। तो देखिए 50 घंटे तक
क्या माइनस होगा कि यहाँ 150 आ जाए। 150 क्यों? क्योंकि देखो 450 भरना था, 300 भरना था, 450 भर गया, कितना ज्यादा भरा 150, मतलब ये 150 सी निकास वाले पाइप ने क्या किया, निकाला पानी इस टंकी में से, क्या किया निकाला, 50 मिनट तक निकाला। तो देखिए एक निकाला 50 मिनट तक, 150 पानी निकाल दिया, तो 1.0 से 1.05 किया 15, मतलब 3 की एफिशिएंसी निकाला। अब देखो ये क्या है, 5 कितनी बार बोलेंगे, मतलब 6 × 5 करेंगे 300 आएगा, 4 × 75 करेंगे 300 आएगा, तो यहाँ क्या रखें कि 3 करें तो 100 आ जाए, ए 300 आ जाए, तो यहाँ 100 रख के देखो, 100 दिया 300 होते हैं, तो अपना आंसर क्या 100। ठीक, मतलब क्या सी भरे हुए होज को कितने समय में खाली कर देगा, तो 100 मिनट में खाली कर देगा ये, तो आपका आंसर क्या सी ए फर्स्ट वाला, क्या है आपका आंसर फर्स्ट वाला 100 मिनट। यहाँ तक आया समझ, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार और मैं सिरे से समझा देता हूँ इसको, कुछ नहीं है, ए नाम का कोई पाइप है, बी नाम का कोई नल है और सी नाम का कोई नल है, ए और बी भरने का कार्य कर रहे हैं, सी निकास नल है, मतलब ये खाली करने का कार्य कर रहा है, ये 60 मिनट में भर देगा, ये 75 मिनट में भर देगा, इन दोनों का एलसीएम आया 300, ठीक, 6×5 होता है 30, 75 चौके होता है 300। अब देखिए ये बोल रहा है कि 50 मिनट में भर जाता है, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो देखो 5 और 4 एफिशिएंसी हो गई 9, ये अगर 50 मिनट तक भरे तो भर देंगे 450, लेकिन अपने को तो केवल 300 भरना है, मतलब सी वाले ने कुछ निकाला, कितना निकाला, तो देखिए 50 मिनट तक निकाला, कुछ निकाला, क्या निकाला, तो 450 में से 300 माइनस कर देंगे, आएगा यहाँ पर 150, मतलब 150 लीटर निकाला इसने सी वाले ने, तभी इतना टाइम लगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 150, 1.0 से 1.0 कट गई, 5 दिया कितने 15, मतलब x की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आ जाएगी 3। अब देखिए 4 × 75 हुआ तो 300 आया, अब 3 × में क्या करेंगे 300 आ जाए, तो बच्चा बच्चा ही बता देगा 100 × करो तो 3, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 100 मिनट। अब ये पूछा क्या है इसने, भरे हुए भोज को खाली करने में सी कितना समय लेगा, तो 100 मिनट लेगा, ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ लिया, आगे बढ़ते देखिए अगला बोल रहा है, 3 नल है ए बी सी, एक होज को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे बाद, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, ए एम बी उसे 7 घंटे में भर सकते हैं, होज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा। ठीक, देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे बाद काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, देखिए 2 घंटे तीनों ने मिलकर काम, 3 घंटे तक 6 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया, मतलब देखिए 2 × 1 = 2, 1/3 काम कर लिया, बचा कितना 2/3, ये जो है ए प्लस बी बचे हुए 7 घंटे में काम कर ले, कितने घंटे में 7 घंटे में, तो देखिए 2 × 6 = 2×5 = 10, 35 दिया कितने 105, मतलब कितना 10.5, ये जो है ए प्लस बी 10.5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आएगा 60 और 105 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, तो 5 से काट लीजिए, 5 × 5 = 10, 5 × 10 = 5, 3 से काटेंगे 3 × 12 = 3721, 4 से काट दीजिए और 7 से काट दीजिए, 7 × 28, 5 × 15, 28 × 15 कितना 200 सी, ये 140 ये, 14 × 8 = 12 हासिल का 1, 2, 3, 4, 420 आए, कितना आएगा 420। देखिए 6 × 7 = 42 और 105 × 210 = 21, मतलब कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 7, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 4, मतलब 7 − 4 आया कितना 3, ये किसकी सी की, क्यों, क्योंकि देखिए a plus b, यहाँ भी, मतलब ये 4 इसमें इंक्लूड है, बाकी बचा कौन c, 3 की एफिशिएंसी से c अकेला होज को भरने में कितना समय लेगा, तो भरना कितना है
420, 3 की एफिशिएंसीज बढ़ेगा, 3 एकम 3 चौके 12 0, ठीक, मतलब 140 क्या आया मिनट में। अब इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 140 मिनट जो होता है वो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12 2 घंटे और 20 मिनट इतना समय लगेगा। ये है क्या, देखिए ये 14 घंटे आएगा, ठीक, कितने 14 घंटे क्यों आएगा, क्योंकि ये सब क्या दे रखे हैं, ये सब घंटे में दे रखे हैं, मतलब आपका आंसर क्या होगा 14 घंटे, यहां तक आया समय, ठीक है। ये आया, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल किसी होज को अलग अलग क्रमशः, दो नल अलग अलग क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं तथा जब एक खाली करने वाला नल खोल दिया जाता है तो वे एक साथ मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं, खाली करने वाला नल भरे हुए होज को कितने समय में खाली कर देगा। ए नाम का कोई नल 10 मिनट में भर रहा है, बी नाम का कोई नल 15 मिनट में भर सकता है मतलब प्लस, ये भी क्या प्लस, खाली करने खोल दिया जाता है तो एक साथ मिलकर 18 मिनट में भर सकते हैं, ठीक, 18 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहे हैं सब, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे आएगा 30, 10 दिया होता है 30, 15 दोनों होता है 30, ये दोनों क्या कर रहे हैं, भरने का कार्य कर रहे हैं, कितना मिनट में, 18 मिनट में भर देंगे, मतलब 18 पंजे कितना हुआ 90, लेकिन अपने कितना भरना है, अपने को तो 30 ही भरना है, मतलब कितना ज्यादा भर दिया इसने 60, अब देखो 60 भरा 18 मिनट कितने की एफिशिएंसी होगी, कितने की एफिशिएंसी होगी, 18 दिया 54, देखिए ये बोल रहा है कि खाली करने वाला नल भी खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस माइनस सी, तो कितने 18 मिनट में भर सकते हैं तीनों मिलके, ठीक, तो देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 10 15 और 18 का 90, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी माइनस क्या सी, 10 15 और 18 तीनों की एफिशिएंसी आएगी 90, मतलब तीनों का टोटल वर्क आएगा 90, 10 नाम 90, 15 6 90, 18 5 90, ठीक, 9 और 6 हो गए 15 माइनस 5, मतलब कितना 10 के एफिशिएंसीज भरेंगे, 90 भरना है अपने को, 9 मिनट में भर देंगे, यहां तक आया समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टैंक में दो नल लगे हुए हैं, पहला नल टैंक को 45 मिनट पूरा भर सकता है तथा दूसरा पूरे भरे हुए टैंक को एक घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए टाइप का कोई नल है 45 मिनट में क्या कर रहा है पूरा भर सकता है, अब दूसरा पूरे भरे हुए को बी टाइप का एक घंटे में मतलब 60 मिनट में, 45 और 60 दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 180, 45 चौके 180 छिया 18, ठीक, अब ये बोल रहा है दोनों नलों को बारी बारी एक मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हो गया 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, ठीक, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, अब देखो एक मिनट के लिए ये भरेगा और अगले मिनट में ये 3 खाली कर देगा, ठीक, पहले ये चला फिर ये चला, मतलब 2 मिनट में भरा कितना, एक, 2 मिनट में कितना भराया एक, अब देखो अपने भरना कितना है 180,
तो अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटू 180, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इंटू 180। मतलब देखो 180 बन गया कितने मिनट में, 18 दूना 36, 10 लग जाएगी ठीक। मतलब 360 मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 360 मिनट बटे कितना 60, 10 से 10, 6 6 36, 6 hour, मतलब कितना 6 घंटे में आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए टाइप का कोई नल है, 8 घंटे में क्या कर रहा है भर रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा टाइप का कोई नल है 16 घंटे में क्या कर रहा है खाली कर सकता है, मतलब ये प्लस और ये क्या माइनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 16, 8 दूना 16, 16 एकम 16, ठीक है। दोनों नल को खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा, मतलब दो की स्पीड से भर भी रहा है, एक की स्पीड से खाली भी कर रहा है, आया कितना एक, एक की एफिशिएंसी से भरेगा मतलब आंसर आएगा 16। यहाँ तक आया समझ में ठीक। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 20 घंटे में भर जाती है। मतलब देखिए ए टाइप का कोई नल था 15 घंटे में भर रहा था, लेकिन ए प्लस बी हुआ क्या कि टंकी की तली में छेद हो गया, ये टंकी ये पानी, यहां से पानी भरना स्टार्ट हुआ, पानी अगर ये लगातार चलेगा तो 15 घंटे में भर देगा ठीक, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे एक छेद हो गया उसकी वजह से 20 घंटे लग गए, बढ़ कितना गया 5 घंटे का समय बढ़ गया, किसकी वजह से इस बी, बी की वजह से 20 घंटे लगने लग गए। अब देखो 15 और 20 दोनों का एलसीएम आएगा 60, 15 चौके होता है 60, 20 दिया होता है 60। अब इस 3 यहाँ इसमें भी मौजूद है ठीक, मतलब 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1, 1 की एफिशिएंसी किसकी आई इस बी की ठीक। तो देखो ये बोल रहा है कि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण खाली कितनी देर में हो जाएगी, ये अपने से पूछा है, तो आपको क्या करना है। देखो 60 अगर भरी हुई होगी एक की स्पीड से खाली करेगी तो 60 मिनट लगेगी, 60 घंटे लगेंगे सॉरी, मतलब आपका आंसर क्या होगा 4th नंबर का आपका आंसर होगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो नल है, एक ए टाइप का नल एक बी टाइप का नल ठीक, ये 6 घंटे में भर देगा ये 9 घंटे में भर देगा ठीक, और सी पाइप जो है सी टाइप का जो पाइप है वो 12 घंटे में खाली कर देगा, मतलब ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है ये तो खाली कर रहा है, ये अपने से बोल रहा था। अब ये बोल रहा है कि यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब टंकी क्या है खाली, ये रह गई टंकी, ये क्या है ये तो भरी हुई टंकी, लेकिन अपने से बोला क्या है टंकी पूरी खाली है, यहाँ पे एक पाइप है सी, ये पाइप आया ए, ये पाइप आया बी ठीक, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है ठीक। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा 36, 6 6 36, 9 चौके 36, 12 3 36 एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय, 6 4 कितने 10 - कितने 3 कितने हो गए ये 7 ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इतने इतने घंटे में कार्य कर रहे थे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी 6 इसकी 4 इसकी - 3 मतलब 6 और 4 10 - कितना 3 कितना हो गया ये 10 - कितना 3 कितनी एफिशिएंसी आ गई 7, 7 की एफिशिएंसी क्या करेगा भरेगा ये। अब देखो टोटल भरना कितना 36 ठीक, तो अपना क्या होगा 36 की एफिशिएंसी से 7 की एफिशिएंसी से 36 भरना, समय कितना लगेगा तो 36/7 समय लगेगा,
जो भी अपने को देखो, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, डायरेक्ट दे रखा है अपने 36/7, इसलिए आपका आंसर 36/7 होगा। अदरवाइज क्या होता, आपको क्या करना पड़ता, 36/7 को काटना पड़ता, फिर आता 7 × 5 = 35, बचता कितना, एक कितने में से, 7 में से, तो 5 सही, 1/7 मिनट आपका आंसर हो गया। लेकिन देखो अगर ये आंसर आए ना तो भी सही है, ये आए तो भी सही है, ठीक, मतलब दोनों आंसर आपके सही है। बस कंडीशन ये है कि ये दोनों आपको कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, तो चलिए ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पाइप एंड सिस्टम का एक पार्ट और है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि पाइप एंड सिस्टम में अब धारिता वाले क्वेश्चन आएंगे, और जो रिमेनिंग बच गए हैं वो वाले आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।